वेलकम बैक विद एन अनदर वीडियो क्लास। आज की क्लास हमारी अगेन वैल्यू ऑफ सप्लाई की क्लास है, और मैं वापस टॉपिक लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये है हमारी क्लास नंबर थर्ड। वैल्यू ऑफ सप्लाई की दो क्लासेस हमने पहले पढ़ी, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। पहले नंबर पर हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है उसके ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगता है। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। एक तो ये हमने देखा पहली क्लास में, हमारी फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हमने देखा, क्लास नंबर फर्स्ट में ये देखा था, क्लास नंबर सेकंड में ये देखा था कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टेंसेस होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम उसमें कुछ अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हमने जीएसटी रूल्स नंबर 27, 28, 29, 30, 31 हमने ये देखे थे। रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31 देखे थे। रूल नंबर 27 में ये था कि जब कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, और 28 में था सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन को सप्लाई अगर हम करते हैं तो किस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं। रूल नंबर 29 में देखा था कि अगर हम एजेंट को सप्लाई करते हैं तो हम इसकी किस प्रकार से वैल्यूएशन करते हैं, एजेंट या फिर प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हमें रूल नंबर 30 में हमने देखा था कि कॉस्ट प्लस 10% पर हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं, और रूल नंबर 31 में हमने देखा था रीजनेबल यानी बेस्ट जजमेंट, रीजनेबल हमारा वैल्यूएशन होता है। ओके, आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 3, और ये हमारी लास्ट क्लास होनी चाहिए। चलो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके ही करेंगे इसको, तो क्लास नंबर 3 है आज की हमारी, ठीक है। इन दोनों क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। चलिए क्लास नंबर 3, और मैं आपके नोट्स है हमारे पास, तो नोट्स में हम यहां पे चलेंगे रूल नंबर 31A से। तो आज का है हमारा रूल नंबर 31A। ओके, रूल नंबर 31A क्या कहता है। रूल नंबर 31A, मैं नोट्स में ही चलेंगे अपन, ताकि इजी रहेगा अपन को समझने में, दिखे यहां तक की बात हमारी पिछली क्लास में, अब हमारे यहां से समझते हैं, ठीक है। रूल नंबर 31A ये कहता है, जब आप, मैं सिंपल वे में बोलूंगा, लॉटरी की बात करते हैं, चलो है ना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझना हमारे को, सिंपल वे में समझना है। रूल नंबर 31A किस पर अप्लाई होता है, जब हम कोई भी लॉटरी निकालते हैं किसी की, मतलब हम बिजनेस किसका कर रहे हैं, लॉटरी का, हम कोई गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर उस लॉटरी को रन करते हैं या किसी को ऑथराइज्ड करते हैं कि हम, हमारे लिए ये काम करो, तो हमारे लिए वो एक तरीके से प्रोडक्ट का काम करती है। तो ये कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, तो ये सब कैजुअल इनकम की तरह होती है, कैजुअल इनकम के अंदर आती है, ठीक है। तो कैजुअल इनकम के केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहला पॉइंट, लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप राजस्थान में हो, ठीक है, आप राजस्थान में हो और राजस्थान की गवर्नमेंट ही उस लॉटरी को रन कर रही है, कोई अदर स्टेट लॉटरी को रन नहीं कर रही है, उसको ऑर्गेनाइज्ड भी वही कर रही है और रन भी वही कर रही है, मतलब कि एक स्टेट है, उसी स्टेट की गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है, उसी स्टेट की गवर्नमेंट है ना, मतलब सेम स्टेट में ऑर्गेनाइज होकर उसी स्टेट में रन हो रही है, किसी अदर स्टेट में उसको चलाने की परमिशन नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, वही चीज बता रहे हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं,
लॉटरी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलता है, दो पॉइंट देखने हैं, दोनों में से जो भी हायर होता है वही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है लॉटरी के केस में। और लॉटरी के केस में भी दो 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 केस है, पहला रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में फर्क बताता हूं। इसमें है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड रन बाय द सेम स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राजस्थान की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान में ही चल, मतलब राजस्थान की गवर्नमेंट ही इसको रन कर रही है, कोई अदर स्टेट रन नहीं कर रही है। तो हम इस पर इसका रिवर्स इफेक्ट निकालेंगे, मतलब इसको 112% यानी जो भी लॉटरी की वैल्यू है उसमें 12% जीएसटी इंक्लूड है यह मानकर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसमें से जीएसटी हटा देते हैं। जैसे फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 112, 12% का जीएसटी, 12% जीएसटी, ठीक है। तो हम इसकी दो चीजें चेक करेंगे, पहला फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी इंटू 100 डिवाइड बाय 112 और प्राइस नोटिफाइड इन द गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। मैं यही तो कह रहा हूं, ऑर्गेनाइज्ड एंड रन बाय द सेम स्टेट, ठीक है। तो इसको आपको रिवर्स करना है, 100 डिवाइड बाय 112 का मतलब यही हो गया ना कि 12% जीएसटी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो दोनों में से जो भी हायर होगा वही हमारी वैल्यू होगी। मान लो 124 करोड़ की इसकी फेस वैल्यू है, 124 करोड़ की फेस वैल्यू है और 136 करोड़ ऑर्गेनाइज स्टेट ने इसकी प्राइस नोटिफाइड करी है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों को दे रखे इंटू 100 डिवाइड बाय 112 इंटू 100 डिवाइड बाय 112 करोगे ना तो कितना आ रहा है चेक कर लो। इसको अगर हम कट करेंगे ना 124 हो गया है ना, तो सही है, ये कितना आ रहा है हम इसको कैलकुलेट कर लेते। देखो ये है 124 करोड़ का फेस वैल्यू, तो 124 इंटू 100 डिवाइड बाय 11 तो ये होता है 110.7, ठीक है 110.7। और इसको नीचे वाले को कैलकुलेट करते हैं, 136 इंटू 100 डिवाइड बाय 112 ये हुआ 121.4। इसको सॉल्व करने से आया 121.4, दोनों में से हायर कौन है 121.4। तो यही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, कंप्लीट है। मेरा सिंपल लॉजिक, मेरा सिंपल सा मीनिंग इतना सा है, ऑथराइज्ड एंड रन बाय द सेम स्टेट, अदर स्टेट ऑर्गेनाइज्ड एंड रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा केस ये है कि डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी इशूड इन अदर स्टेट, मतलब ऑर्गेनाइज्ड जो कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट किसी अदर स्टेट में इस लॉटरी को चलाने का के लिए ऑथराइज्ड कर देती है, यानी कि अदर स्टेट में वो लॉटरी इशू की गई है। तो अगर अदर स्टेट में लॉटरी इशू की गई है तो फिर उसमें भी सेम बात है, लेकिन 28% का जीएसटी रेट लेना है ओनली। ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा दोनों में से हायर। देखिए इसको हमें 28 लेना है, यानी कि वही फेस वैल्यू इंटू 100 डिवाइड 128 और प्राइस नोटिफाइड प्राइस 100 डिवाइड बाय 128। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल है, जीएसटी की 12% रेट है और इसमें 28% रेट है। 12% तब लगानी जब रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और 28% तब लगेंगे ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी इशूड इन अदर स्टेट गवर्नमेंट। चलिए ये हमारा रूल नंबर 31A था, मैं इसको लिख देता हूं, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, लॉटरी आ गया, बेटिंग आ गया, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेस, तो इसमें क्या है दो केस है, पहला केस और एक दूसरा केस। पहले केस में है रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और इसमें आएगा ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी इशूड इन अदर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इसमें अदर स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसमें दो बातें हैं, ए और बी, इसमें भी दो है ए और बी। इसमें आएगा फेस वैल्यू, इसमें आएगा नोटिफाइड प्राइस इंटू 100 डिवाइड 112 इंटू 100 डिवाइड बाय 112 विच एवर इज हायर आपको ले लेना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, वही फेस वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128, इसमें आएगा नोटिफाइड प्राइस
इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128 विच एवर इज हायर, आपको इसमें से ले लेना है। ये इतना सा है रूल नंबर 31A। चलिए और एक है रूल नंबर 31A3। ये कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ खास बात नहीं, बस इसको याद रख लो आप, 31A3। ठीक है, अब है ना ये कहता है कि जो जीत जाता है ना, जैसे कोई लॉटरी जीत गया, तो कोई शर्त जीत गया, कोई गेम जीत गया, कोई हॉर्स रेस में जीत गया, तो उसकी फेस वैल्यू क्या, जीतने वाले की फेस वैल्यू, ये तो ऑर्गेनाइज्ड जो करता है उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, और ये है ना विनर के लिए। तो इसमें यूं है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम, मतलब एक्शनेबल क्लेम जो है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस। अब एक्शनेबल क्लेम का मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई लॉटरी बेटिंग हॉर्स रेस में प्राइस जीत गए, तो आप उस पर एक्शन लेके उसको क्लेम कर सकते हो कोर्ट में, ताकि मैं आपको इसकी प्राइस मिल सके। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, उसका जो भी 100% होगा ना फेस वैल्यू का, वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ नहीं है, 100% है वो फेस वैल्यू का, 100% ऑफ फेस वैल्यू बस। आपको दो रूल्स बताया मैंने, 31A 31A3। ठीक है, ये लॉटरी के लिए है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ओके 31A और 31A3 आप देख सकते हैं नोट्स में। ठीक है, अच्छा ओके, अब हमें चलना है आगे, हमारा है रूल नंबर 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 32। देखो ये स्पेशल केसेस है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो रूल नंबर 32 में के वन में क्या लिखा है, रूल नंबर 32 का सब रूल वन है, उसमें सिंपल सी बात लिखी है कि फॉलोइंग केसेस जो है ना, आगे आने वाले जो केसेस हैं, उनकी हम अलग तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। तो बस इसने सिंपल सा मीनिंग लिखा है कि आप आने वाले जो केसेस हैं उनका अलग तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हो। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये देखो सब रूल फर्स्ट देखो क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज, ये स्पेशल केसेस आप बोल सकते हो। ठीक, उसके बाद उसमें सब रूल फर्स्ट में लिखा है द वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज स्पेसिफाइड बिलो शेल बी डिटरमाइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड हियर एंड आफ्टर, मतलब जो अब दे रखा है ना उसमें, तो हम है ना रूल नंबर 32 का सेकेंड यहां से चलने वाले हैं। अब ये है फॉरेन करेंसी का रूल नंबर 32। ठीक है, मतलब हमारा रूल नंबर 32 का सब रूल 2 कहता है फॉरेन करेंसी की वैल्यू कितनी मानेंगे। एक्चुअल में क्या है फॉरेन करेंसी, आपको मैं बताऊं ये क्या चीज है। आपको पता है जैसे आपके पास कोई डॉलर होता है तो आप उसको एक्सचेंज करवा के इंडियन करेंसी में चेंज करवा सकते हो, तो यानी कि वो जो व्यक्ति होता है ना वो फॉरेन करेंसी को चेंज करने का काम कर सकता है, यानी कि मनी चेंजर बोल सकते हैं आप उसको, या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि यार वो हमारी जो करेंसी है वो खरीद लेता है, हम उसको परचेज सेल भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, दो अल्टरनेटिव आपको दे रखे हैं, आप उस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। एक अल्टरनेटिव ये है, ऑप्शन है, और एक बी ऑप्शन है। पहला तो है सेल और परचेज के अकॉर्डिंग, और दूसरा है मनी चेंजिंग का आप काम करते हो। बात एक ही है, बस दोनों में आपको ऑप्शन दे रखा, अल्टरनेटिव दे रखा कि वैल्यू किस प्रकार से निकाले। मैं आपको बताता हूं, जब भी फॉरेन करेंसी की बात आती है तो आपके पास पहला चॉइस है कि आप सेल परचेस के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है क्वेश्चन में सेल परचेस के अकॉर्डिंग दे रखा हो, तो वो होगा रूल नंबर 32 का सब रूल 2 का
ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो भी आप बोल सकते हो, इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला आरबीआई रेट अवेलेबल, मान लो क्वेश्चन में आरबीआई की रेट दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बस इतना सा ध्यान रखना है। डिफरेंस मैं अभी क्लियर कर दूंगा क्या करना है। आरबीआई की रेट का डिफरेंस, मान लो आरबीआई की रेट 70 रुपए है और आपने 71 रुपए में खरीद लिया 71 में, तो 1 रुपए का डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। दूसरा है आरबीआई रेट नॉट अवेलेबल, तो फिर क्या करेंगे? आरबीआई की रेट अवेलेबल नहीं है ना, तो 1% ऑफ इंडियन रुपीस, अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके उसको उसका 1% ले लो, जो भी उसका 1% है वही आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, आपने जितने रुपए में बेचा खरीदा जो भी है उसका 1% आपको लेना है। सी पॉइंट में आपको लिखा रखा है कि इंडियन रुपीज में चेंज नहीं कर रहा, नो चेंज, नो एक्सचेंज, नो करेंसी इज एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, मतलब नॉट, एक मिनट मैं इसको सही लिख देता हूं, एक्सचेंज इज नॉट इन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज में एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। इसमें पहले वाले कॉइन मॉइन में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपने $1,000 खरीदा और उसके बदले में आपने इंडियन रुपीज ले लिया, तो ये और आरबीआई की रेट अवेलेबल है। दूसरा, आपने $1,000 खरीदा और इंडियन रुपीज आपने उसको दिए और लेकिन अवेलेबल नहीं है आरबीआई की रेट। तीसरा है, आपने $1,000 खरीदे और उसको पाउंड दे दिया, तो इंडियन करेंसी में एक्सचेंज नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? फिर यहां पे आपको दो पॉइंट देखना है। दो पॉइंट क्या देखने? पहला पॉइंट देख, मतलब दो पॉइंट आप सिंपल बोल सकते हो, आप छोड़ो इसको, ऐसे कर सकते हो 1% ऑफ लेसर ऑफ द टू अमाउंट एज पर आरबीआई। एक्चुअल में क्या है, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, 1% ही लेंगे, लेकिन दोनों करेंसी का जो लोअर होगा ना, यानी कि जो लेस अमाउंट होगी उसका 1% लेंगे। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, ये फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, डॉलर ले रहे हो उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, डॉलर ले रहे हो उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, डॉलर ले रहे हो लेकिन उसके बदले में आप पाउंड दे रहे हो, यूरोस दे रहे हो, कुछ अदर करेंसी दे रहे हो, आप इंडियन करेंसी नहीं दे रहे हो, तो आपके लिए तीनों केस में कैसे किस तरीके से, तो आरबीआई की रेट अवेलेबल है तो डिफरेंस लो, आरबीआई की रेट अवेलेबल नहीं है तो 1% लो, और इंडियन करेंसी नहीं है तो फिर आप 1% लो लेसर अमाउंट का। मैं इसका एक एग्जांपल कराता हूं, आपको उससे क्लियर ज्यादा होगा। जैसे ये देखो, हमारे पास एग्जांपल है, ये लो, मैं इसका एग्जांपल ही करवाता हूं, ये लो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये लो, एक्स एक्स वाई जेड लिमिटेड इज, ये कौन सा एग्जांपल है ये बता देता हूं आपको, ये एग्जांपल नंबर 11 है, एग्जांपल नंबर 11, ठीक है हम इसको करते हैं, ठीक है चलिए। एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑफ इंदौर इज ऑथराइज्ड पर्सन मनी चेंजर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10(1), ठीक है, ऑफ फेमा 1999। हाँ, तो ये वही है, मनी चेंजर है, मैंने वही पहले बोल दिया, मनी एक्सचेंज करने की बात करता है। इट एंटर्ड इनटू अ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मनी चेंजिंग, ओके, आगे देखो इसमें लिखा है सोल्ड परचेज्ड, परचेज्ड सोल्ड, सोल्ड परचेज्ड सोल्ड, और ये क्या लिखा, कन्वर्जन, ठीक है। नीचे लिखा आरबीआई रेफरेंस रेट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31 जून वेयर एज फॉलोस, 1 यूरो की रेट दे रखी है, US डॉलर की रेट दे रखी है, GBP की दे रखी है। लास्ट लाइन पढ़नी पड़ेगी, देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा,
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रूल 32 का सब रूल 2 का ए पॉइंट ऑप्शन जीएसटी सीजीएसटी रूल 2017। मतलब ये बोल रहा है 32 2 और ए, मतलब अपन ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, अपन ने क्या पढ़ा रूल नंबर 32 का 2, 2 में भी ए, ए के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे करना है। बी वाला बोलेगा, बोलेगा क्वेश्चन खुद बोल देगा कि बी के अकॉर्डिंग करो, बोलेगा तो कर देंगे जैसे बोलेगा। हालांकि दोनों ऑप्शन है। ओके, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले देखते हैं, आपको पता है आरबीआई की रेट है तो आरबीआई की रेट और उसका डिफरेंस लेना। ये कह रहा है सोल्ड, परचेज हो चाहे सोल्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6000 यूरो एट द रेट 1 यूरो इक्वल टू 74। अब देखो यूरो की रेट दे रखी है क्या, नीचे आओ, यूरो 71 दे रखा और यहां पे क्या है 74, तो यूरो की रेट दे रखी है ना, तो डिफरेंस कितना है 3 रुपए का। आप ये मत देखो कि पॉजिटिव डिफरेंस है या नेगेटिव डिफरेंस है, आप सिर्फ ये देखो डिफरेंस है 71 का 74, तो ये 71 का 60 भी हो सकता था, 63 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस कितना है 3 रुपए, तो 3 रुपए इंटू 6000, क्योंकि एक यूरो पे 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 रुपए इंटू 6000 कर देंगे। ये देखो आंसर ये रहा, आंसर ये रहा आपके सामने पहला पॉइंट। यूरो 6000 यूनिट सेल करे थे, 74 71 का डिफरेंस 6000 पे 18000 हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है सर। दूसरा दूसरा पॉइंट, परचेज $4000 $1 68 $ की रेट दे रखी है क्या, देखो $ 66 है और यहाँ पे क्या है 68, तो आरबीआई की रेट गिवन है तो आप डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितने का है 2 रुपए का, 2 रुपए इंटू 4000, ये आंसर आप देखोगे नीचे, 2 रुपए इंटू 4000 तो हो गया 8000 रुपए। ओके ठीक है, हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, तीसरा पॉइंट यह है परचेज्ड 8000 जीबीपी 1 जीबीपी इक्वल टू, जीबीपी ऐसे नाम दे रखा है कोई फॉरेन करेंसी है 72, तो जीबीपी की रेट देखते हैं, नीचे आओ, यूरो दे रखा है, ये दे रखा है, जीबीपी की 74 है और आपने कितने में बेचा 72, कोई दिक्कत नहीं, 74 और 72 का डिफरेंस 2 रुपए, तो 2 रुपए को इंटू करेंगे 8000 से, तो 2 × 8 16000 हो जाएगा, ये हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में यहाँ पे 16, ये सब काउंट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर नाउ फोर्थ नंबर पे, ऐसे फोर्थ नंबर पे आते हैं, सोल्ड 12000 AUSD एट द रेट 1 AUSD इक्वल टू 56, तो आप देखोगे AUSD की करेंसी रेट दे रखी क्या, आरबीआई रेट, AUSD की आरबीआई रेट दे रखी है 59, अरे ये तो सबकी दे रखी 56 है और इधर 59 है, तो 3 रुपए इधर 12000 बाकी 36000 रुपए इसकी वैल्यू आएगी, 36000 इसकी वैल्यू है। ये देखो चौथे नंबर पे सेल 12000 है और ये आरबीआई की रेट सेलिंग रेट 12000 है, 36000 रुपए इसकी वैल्यू, तो हमने चौथा पॉइंट भी कर लिया। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में आते हैं, सोल्ड 6000 यूनिट्स ऑफ करेंसी जेड, करेंसी जेड, जेड करेंसी का नाम है, एक जेड बराबर 1 जेड बराबर 32, इधर देखो आरबीआई की रेट दे रखी क्या, आरबीआई की रेट नहीं अवेलेबल है, और जब आरबीआई की रेट अवेलेबल नहीं होती है ना, देखो आरबीआई की रेट इसमें ही नहीं होती है ना, तो फिर इसको पहले आप करेंसी में चेंज करो, 6000 × 32 इक्वल टू, तो ये कितना आते हैं 6000 × 192000 आता है, तो 192000 आता है, तो इसका 1% कितना होता है, 1% होता है 20 हटा दो 1920, तो देखते चेक कर लेते हैं 1920 आ जाएगा इसका 1%, तो आपको बता रखा है जब आरबीआई की रेट अवेलेबल नहीं हो ना, आरबीआई की रेट अवेलेबल नहीं है इसलिए 1% किया, आरबीआई रेट नॉट अवेलेबल, तो आप समझ गए ना, ये हमने पांचवा पॉइंट भी कर लिया। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, वापस छठे नंबर पर आओ, परचेज्ड 2500 लिब्रा, एक लिब्रा बराबर 31 रुपए, तो नीचे आओ, लिब्रा लिब्रा 33 रुपए, 33 और 31 का डिफरेंस 2 रुपए, 2 × 2500 अपन कर देंगे, ये लो तो ये आ गया 75, ये भी ठीक है, ये तो इजी रह गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, है ना। आरबीआई की रेट एक ही बार नहीं दे रखी थी, बाकी छठा पॉइंट हो चुका है। सातवें पॉइंट में सोल्ड, ये कैनेडियन CAND 5000 सोल्ड करे हैं, जिसमें एक कैनेडियन रुपीस की करेंसी है, जिसमें 45 रुपीस में सोल्ड किया है, नीचे वो आरबीआई की रेट है 42, तो 45 और 42 का डिफरेंस 3 × 5 15000 उसकी वैल्यू आ जाएगी, 15000 इसकी वैल्यू आ गई सात नंबर पे। ये हमने देखा रूल नंबर 32 का, इसमें ए भी आ गया है, ये दूसरा भी आ गया, इसका अभी तक एक एग्जांपल नहीं आया है, अब आ रहा है, देखो लास्ट
सात नंबर हो गया, आठ नंबर। आठ नंबर में कह रहा है 40 कन्वर्जन ऑफ 40,000 यूएस डॉलर इंटू 25,000 जीबीपी। तो ये कह रहा है यूएस डॉलर देके जीबीपी लिया है या फिर यूएस डॉलर देकर जीबीपी ले लिया है, कैसा भी मान सकते हो। बस इसमें इंडियन करेंसी नहीं आया, तो आप एक काम करोगे, दोनों को पहले इंडियन करेंसी में चेंज करोगे, नीचे जाके चेक करो आरबीआई की रेट क्या है। आरबीआई की रेट है यूएस डॉलर में 66 और जीबीपी में है 74। तो आपको दोनों को इंटू इंटू करना है, 40,000 इंटू 66 और 25,000 इंटू 74, दोनों में से जो कम होगा वो हम लेंगे, देखो उसका 1% लेंगे। देखो आंसर डायरेक्ट कन्वर्जन 40,000 यूएस डॉलर इंटू 25,000 जीबीपी, कन्वर्जन ऑफ बोथ करेंसी इंटू इंडियन रुपीस। ठीक है, अमाउंट फर्स्ट, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। देखो 40,000 को इससे इंटू किया, इसको इंटू, दोनों में से लेसर, दोनों में से लोअर, लोअर उसका 1% करूंगा तो लोअर है 18,000, इसका 1% कर दो 18,500 और इसकी टोटल लगा दो, ये आपका इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। हमने कौन सा नियम पढ़ा, हमने रूल पढ़ा 32 का सब रूल 2, उसमें भी हमने, उसमें एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए और ये ऑप्शन नंबर सेकंड हम पहले समझ लें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें आपको, आप इसका इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर सकते हो, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा अब हम एक बात और करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, वो लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, अब मैं आपको यहां पर बताता ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड ये है, उसको वो अल्टरनेटिव है उसके लिए, क्वेश्चन में लिखा होगा रूल नंबर 32 का 2B आप यूज करके निकालो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास करेंसी है चेंज कर रहे हो तो आप उसकी सबसे पहले वैल्यू दिखा लोगे, 1,00,000 रुपए तक अगर उसका ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन आपको ट्रांजेक्शन देखना है, ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन है अगर आपका अप टू 1,00,000 तो आप क्या करोगे 1% करोगे ट्रांजेक्शन वैल्यू का, 1% ट्रांजेक्शन अगर 1,00,000 तक है तो 1% और 250 व्हिच एवरेज हायर, मतलब कि एक ट्रांजेक्शन पर उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू का 1% लेना है और 250 रुपए दोनों में से जो भी हायर होगा वो लेना है। फिर आपको देखना है 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो आपको 0.5% लेना है उस ट्रांजेक्शन का, और अगर आपका अबव 10,00,000 है तो आपको उसका 0.10% लेना है, बट मैक्सिमम 60,000 ले सकते हो, मैक्सिमम 60,000। मैं आपको इसको रिपीट करवा देता हूं, चलिए मैं इसको शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं आपको। रूल नंबर 32 का 2 और ये बी, ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें आपको सिंपल है अप टू 1,00,000 इक्वल टू 1% और 250 मिनिमम होता है, 1,00,000 टू 10,00,000 0.5% और अबव 10,00,000 0.10% बट मैक्सिमम 60,000, ये इतना सा है बस। हम इसका एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से करना है, मेरे पास एग्जाम्पल है, ये लो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 हम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा, देखो इसमें लिखा होगा रूल कौन सा लगाना है। मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड जयपुर इज एन ऑथराइज्ड मनी चेंजर रजिस्टर्ड अंडर 10(1) ऑफ फेमा 1991, इट हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 1, 2, 3, 4। छह ट्रांजेक्शन, अब आगे क्या लिखा, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ मेसर्स एक्स वाई जेड
हैज ऑप्ट, ऑप्शन है ना आपके पास, ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्ट फॉर ऑप्शन अंडर रूल 32(2)(b). वो चाहता है तो 32(2)(b) का ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि 32(2)(b) निकालना है के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ठीक है। अब अपन इसको करेंगे, 1,00,000 तक 1%, 1,00,000 से ऊपर 0.5% और 10,00,000 से ऊपर 0.1%। ठीक है, देखिए अब आराम से समझेंगे इसको कैसे नियम कर। पहला क्या है, 800 ट्रांजेक्शंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैनेडियन डॉलर इनटू इंडियन रुपीज, रुपीज 15,000 पर ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी है, 15,000, तो 15,000 है तो 1,00,000 से कम है। ट्रांजेक्शन की वैल्यू देखो पहले, तो 15,000 का 1,00,000 से कम है तो 1%, देखो नियम लिखा है ना, 1,00,000 से कम है तो 1% और 250, दोनों में से जो भी हायर होगा वही लूंगा, मतलब 250 से कभी कम होना ही नहीं चाहिए। तो इसका 1% कितना होता है, 150 रुपए, 150 तो ले ही नहीं सकते, 150 ले ही नहीं सकते, इसका 1% निकाल रहा हूं, 2 जीरो कम कर दी, 1% हो गया, तो 150 तो ले ही नहीं सकते, 250 लेंगे, तो 250 × 800, क्योंकि वो पर ट्रांजेक्शन की वैल्यू है, एक ट्रांजेक्शन का 250 से कम कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका 1% और 250, दोनों में से जो भी हायर होगा वही लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका लोगे 250 × 800, देख लो आंसर, कन्वर्जन ऑफ कैनेडियन डॉलर 15,000 पर ट्रांजेक्शन 800 × 250, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है 15,000 का 1% और 250 पर ट्रांजेक्शन, विच एवर इज हायर। तो आपने क्या करा, 800 × 250, 2,00,000 रुपए आ गए। इसका पहले का आंसर ये है, आप सिंपल वे में समझो, 1,00,000 तक 1% है, 1,00,000 से ऊपर 0.5% है, 10,00,000 से ऊपर 0.10% है। दूसरा लो, दूसरा पॉइंट, 400 ट्रांजेक्शन करी है, 400 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैनेडियन डॉलर इंटू इंडियन रुपीज ऑफ 1,00,000 पर ट्रांजेक्शन, 1,00,000 तक है तो 1,00,000 का 1% कितना हुआ, 1,000, 1,000 रुपये हुआ ना, 1,000 × 400, ये आ गया हमारा 400। चलूंगा मैं आगे, तीसरा पॉइंट, 200 ट्रांजेक्शन हमने करे इंडियन रुपीज में इंटू कैनेडियन डॉलर रुपीज 7,00,000, 7,00,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन है, इधर तो 1,00,000 था, इधर 7,00,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन है। तो आपको बता रखा है शुरू का जो 1,00,000 है ना, एक मिनट सुन लेना, शुरू के 1,00,000 है उस पर तो 1% लगेगा, इसका मतलब है 7,00,000 में से 1,00,000 रुपया पहले हटाओ, तो वो होता है 1,000, उसका 1% निकला 1,000, 7,00,000 में से 1,00,000 पे तो 1,000 हो गया, क्योंकि 1% है, बचे कितने, 6,00,000, 6,00,000 पर लगेगा 0.5, तो 6,00,000 का 0.5 जो होता है वो कितना होता है, 0.3,000, 6,00,000 ना, 6,000 होता है 1%, हो गया तो 0.5, तो ये हो गया 3,000, 0.5% करके देखना, ठीक है, तो ये कितने हुए, 4,000 हो गए। 4,000 कहां से आया मैं वापस बता देता हूँ, 7,00,000 में शुरू के 1,00,000 पर तो लगेगा 1% और बचे हुए 6,00,000 पे लगेगा 0.5%, तो 4,00,000 हो गया, 4,000 × 200, 8,000, 8,00,000 हो जाए, ये आंसर हमारा 8,00,000, ठीक है, 1,000 + 6,00,000 का 0.5% करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। चौथा पॉइंट है, 100 ट्रांजेक्शन हमने करी है कन्वर्जन से, यह है 500,00,000 पर ट्रांजेक्शन, और 500,00,000 है, 500,00,000, अब 500,00,000 में से पहले आप है ना शुरू के 1,00,000 पे लगाओगे 1,000, 1% लगेगा, शुरू के 1,00,000 पे 1% लगेगा, शुरू का 1,00,000 लिखता हूं मैं पहले, ये लो 1,00,000 पे 1%, फिर बचे 10,00,000 तक जाते हैं ना, तो अगले 9,00,000 होंगे, 9,00,000 पर, क्योंकि 1,00,000 पे तो 1% लग गया, 9,00,000 पे 0.5% लगेगा, अब बताओ 10,00,000 तो यही आ गए, 10,00,000 यहां आ गए, तो 500,00,000 में से 10,00,000 यहां आ गया, तो बचे 490,00,000, 490,00,000, इसका 0.1% करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा इसको कैसे करना है, ठीक है, तो इसका तो हुआ 1,000, इसका कितना हुआ 4,500, तो इसका मतलब 5,500 तो 10,00,000 तक ही हो गया, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो 5,500 प्लस इसमें से 10,00,000 कम कर दो, 10,00,000 है, 490,00,000 है, 490,00,000 का हो गया 49,000, इसका
0.1% करके देख लेना आ जाएगा। तो ये हमारे देखो ना टोटल 500 लाख हो गए ना, तो इसका कितना हो गया 49 और 55, तो ये होता है हमारा, ये होता है 54,500। एक्चुअल में क्या है ये देखो, ये 60,000 से ज्यादा नहीं है इसलिए यही लेंगे आप, ये ध्यान रखना 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सही है। तो 54,500 इंटू 100 ट्रांजेक्शन है तो इन दोनों का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 54,50,000। तो ये हमारा आंसर रहता है, ये देख लो, ये लो वो 60,000 वाला रूल अभी लग रहा है, देखो पांचवें पॉइंट में क्लियर समझ में आ जाएगा। पांचवें पॉइंट में लिखा है 150 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्विस, ये हो गया 700 लाख पर ट्रांजेक्शन, 700 लाख की ट्रांजेक्शन। तो आप एकदम एकदम शॉर्ट में समझो इसको, कैसे, इसमें से 10 लाख हटाओ क्योंकि 10 लाख पे 5500 होता है, ये फिक्स हो चुका आपका कि 5500 तो लेना ही है। अब 10 लाख कम हुए तो 690 हो गया ना, 690 लाख हो गया, तो 690 लाख का कितना होता है 0.1%, तो 69,000 होता है। तो आप अगर इसको जोड़ोगे ना तो ये होता है कितना हो गया 74,500 हो गया, 74,500 आप ले ही नहीं सकते पर ट्रांजेक्शन, आपको 150 से इंटू करना है, आप 60,000 से ज्यादा इंटू कर ही नहीं सकते, इसलिए आप इंटू करोगे 60,000, ठीक है, 150 इंटू 6,000, 60,000 से इंटू करोगे, 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सिंपल देखो ना, 700 लाख है, 700 लाख में शुरू के 10 लाख पे होता है 5500, ठीक है, उसके बाद बचे कितने 690 लाख, 690 लाख का होता है 69,000, 0.1%, तो दोनों को जोड़ो तो 74,500 होता है। तो ये 60,000 से ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए 60,000 ही लेंगे। इधर लिखा हुआ भी ये देखो, और 60,000 ट्रांजेक्शन, 60,000 ये नीचे ये रहा, ठीक है, सिंपल ही है। आप देखो नेक्स्ट सिक्स्थ पे, देखो सिक्स्थ पे कह रहा है 500 ट्रांजेक्शन करे हैं 24,000 पर ट्रांजेक्शन, 1,00,000 से कम है तो 1% कर दो, तो 1% कितना होता है इसका, इसका 1% होता है 240, लेकिन 250 से कम आप नहीं ले सकते, तो 250 और इंटू 500 कर दो, 250 इंटू 500 करेंगे तो 125,000, इन सबको जोड़ दो आपका वैल्यू ऑफ ले आ गया। ये था एग्जांपल नंबर 12, आप इसको करना, इसके जैसे ही एग्जांपल नंबर 13 भी है, आप इसको होमवर्क करो, घर पे करना इसको आराम से, सेम यही है आंसर, यही है आपका नियम है, आपको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, आप आज की क्लास में इतना ही है हमारा, आज की क्लास में आपको समझाया था कि रूल नंबर 32 का सब रूल 2, इसमें आपके पास ए और ऑप्शन है बी का, आपके पास आरबीआई रेट अवेलेबल है, आरबीआई रेट अवेलेबल है तो आप डिफरेंस ले लो, आरबीआई रेट नॉट अवेलेबल है तो 1% ले लो, इंडियन इंडियन करेंसी नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों को इंडियन करेंसी में चेंज करो, डॉलर को और यूरो को, पाउंड को, जो भी है दोनों में से जो भी लोअर है उसका 1% कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2 और 3 सिंपल है। और फिर आप लो बी, बी तो तब ऑप्ट करना है जब क्वेश्चन खुद कह दे, वैसे क्वेश्चन कह देगा, इसमें आपको क्या करना है, अप टू 1,00,000 1% और 250 जो भी आए, मतलब मिनिमम 250 है, ये मिनिमम है, और 1,00,000 से 10,00,000 तक 0.5%, जिसको हम कहते हैं 4,500 आता है, 9,00,000 ही है, आप देख रहे हैं 9,00,000 है, 1,00,000 से आगे की बात हो रही है, अबव 10,00,000 0.1% और 60,000 ये मैक्सिमम है, 60,000 से ज्यादा नहीं जा सकते, 250 से कम नहीं ले सकते, तो आप ध्यान रखना 1%, 0.5%, 0.1%, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सेक्शन 32 का 2, ओके, थैंक यू आज के लिए।